इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ कि इटालियन मार्बल पे हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग ये इंस्टॉलिंग करवा रहे हैं, नई इंस्टॉलिंग जिनकी हो रही है, जिनका नया पत्थर लग रहा है, उनको किन पांच चीज़ों का ध्यान रखना है कि उनके पत्थर में आफ्टर पॉलिशिंग दिक्कत ना आए, क्रैक्स ना आए और बाकी चीज़ों से भी बचे हों। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक्स कोई भी नहीं करता है, वीडियो सब देखते हैं। दिन में मेरे को 50 कॉल आती है, सब अपने रिव्यू मांगते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मांगते हैं, मैं सबको अटेंड करता हूँ। तो इतना हक मेरा भी बनता है कि आप मुझे लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्यार दें। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पांच चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमें पत्थर इंस्टॉल करते टाइम या खरीदते टाइम देखना है। फर्स्ट थिंग कि आपको कभी भी आप पत्थर लेने जाएं तो आप उसमें सिलिकेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पत्थर में, कोई सा भी आप इटालियन लेने जा रहे हैं तो आप उसमें उस वेंडर से पूछें कि इसमें सिलिकेट की वॉल्यूम कितनी है और लाइम की वॉल्यूम कितनी है। जितनी मैक्सिमम सिलिकेट की वॉल्यूम होगी या सिलिका की वैल्यू होगी उतना ही स्टोन हार्ड होगा, उतनी ही अच्छी शाइनिंग आएगी और क्रैक्स एंड जॉइंट्स की दिक्कत बहुत ही कम आएगी। और जितना सिलिका इसमें हाई होगा उतना ही इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा एंड ऑफ द डे। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। सेकेंड थिंग कि आप कभी भी पत्थर लेते हैं, जब आपका इंस्टॉलर उसको काटता है और इंस्टॉल करने के लिए जाता है तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा एक पीस है, आप जैसे कि देख सकते हैं जब आप स्टोन लेते हैं तो इसमें पीछे मैश लगी हुई होती है और आगे अपॉक्सी की कोटिंग होती है ताकि ये ब्रेक ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट द सेकेंड पॉइंट इज कि जब भी आप पत्थर इंस्टॉल कराएं, क्योंकि जितने भी इंस्टॉलर हैं आजकल मैं देखता हूं कि वो सारे मैश के साथ ही पत्थर को इंस्टॉल कर देते हैं। कभी भी आप स्लैब कटवाएं, कटिंग के टाइम इसको रहने दें, जब ये इंस्टॉलर जाता है इंस्टॉल करने तब उसको बोले कि इसको पील करके लगाएं। इसको पील करने का क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूं। इसको पील करने से ये होता है कि आपके पत्थर पे जो स्टेन्स आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं और पत्थर, और जब आप इसके साथ उसको लगा देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये मैश सड़ने लगती है, जब ये गलती है तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि ये नायलॉन फाइबर से बनी हुई होती है, देन उसके बाद इसमें अपॉक्सी की भी कोटिंग होती है, तो जब वो काली या पीली पड़ने लगती है तो नीचे से ऑटोमेटिकली स्टेन्स ऊपर पत्थर में आने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत दिक्कत आती है और आपकी जो स्लैब लगने के बाद हिलती है, आवाज़ करती है जब आप ठोकते हैं, चलते हैं उसके ऊपर, आप कहीं 90% में सब में यही दिक्कत आती है कि सब हमें कहते हैं कि सर स्लैब बज रही है, हिल रही है, आवाज़ आ रही है, नीचे से खोखली है। वो रीज़न यही होता है कि पत्थर केमिकल से या सीमेंट से जिससे भी आप लगवाते हैं तो बॉन्ड नहीं हो पाता है ड्यू टू दिस फाइबर मैश। सो इसको हटवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कारीगर जो होगा वो ऑटोमेटिकली इसको हटा के ही लगाएगा, और जो चलते फिरते होंगे या जिनको जल्दी निपटाना होगा कि यार कौन तरीके से उठा के लगाएगा रखेगा, देन उसके बाद दिक्कतें आएंगी कि टूट जाती है स्लैब, तो इस दिक्कत से बचने के लिए लोग उतारते ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही स्लैब लगा देते हैं क्योंकि इटालियन में टूटने की दिक्कत बहुत आती है। तो कारीगर का मतलब ही यही है कि उसको कारीगरी से काम करना है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज जो हमारी इंस्टॉलेशन होने के बाद जब हम ये स्लैब लगाते हैं, जब आपका फिल हो गया, जॉइंट फिल हो गया, सब कुछ हो गया, देन आफ्टर जब आप इसको अगली स्टेज पे लेके जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसको लगे रहने दें। इसको कभी भी लगे रहने मत दीजिएगा। अगर आपकी हाथ के हाथ घिसाई हो रही है तब तो ठीक है, अगर आपका पत्थर वाला कोई और है इंस्टॉलर एंड जो पॉलिशिंग वाला घिसाई वाला कोई और है
तो हमेशा इसको क्लीन करवा के इस पे अपॉक्सी का कोट लगवा के छोड़ दीजिएगा। उससे ये होता है कि आपके पत्थर पे स्टेन्स नहीं आते, क्योंकि सर्टेन टाइम के बाद ये भी केमिकल छोड़ना चालू कर देता है। अगर आप फर्स्ट कोट जैसे ही पत्थर लगाया उसके बाद एक हल्का सा घिसाई वाले को बुला के घिसाई करवा के देन उसके बाद ये अपॉक्सी का न्यू कोट लगवा दीजिएगा, उसके बाद आप चाहे अपना पूरा साल भर काम करते रहें। क्योंकि ये जो अपॉक्सी की कोटिंग होके आती है लो ग्रेड अपॉक्सी होती है, खाली एक कवरेज के लिए होती है कि अपर सरफेस कवर हो जाए और एक नरिशमेंट कलर रिफ्लेक्ट होता रहे, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। फोर्थ थिंग ये है कि आपको हमेशा जब भी आप पत्थर इंस्टॉल करते हैं जॉइंट्स में हमेशा अपने अपॉक्सी जेल भरवाना है। लिक्विड जेल कभी नहीं टिकेगा, हमेशा आपने अपॉक्सी जेल से ही फिलिंग करवानी है जब भी जॉइंट्स आप जुड़वाते हैं, और उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखें कोशिश करें, और उसमें हमेशा ही सब कुछ इंस्टॉलर को बोलें कि एकदम नीट एंड क्लीन काम करें, और कभी भी उसमें डर्ट ना जाने दें, क्योंकि एक बार हार्ड होने के बाद उस पर डर्ट गिरे या पानी गिरे या केमिकल गिरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरनली जब उसमें मिक्सिंग करके लगाई जाती है उस टाइम थोड़ा नीट एंड क्लीन रखें। तो इंस्टॉलर को बोलें, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी, आपके जॉइंट्स कभी नहीं खुलेंगे वाइल डूइंग पॉलिशिंग, सो उस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जॉइंट फिलिंग के टाइम पे जब आपने जेल फिल करा है उसके बाद ऊपर से अपॉक्सी लिक्विड जॉइंट में जरूर डाल दें, अगर उसमें कोई गैप हो तो, और ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पर टेपिंग वगैरह ना करवाएं। जैसे आपने जॉइंट करवाए और एक दिन उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, उस पर फुटफॉल ना करिए, देन उसके बाद उसको जॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर छोड़िए, उसमें कोई भी आपको चलने की जरूरत नहीं है। 12 घंटे के बाद जब वो सूख जाएगा देन आफ्टर उसके बाद आपको उस पर चलिए कूदिए कुछ भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर लोग मैंने देखा है बहुत सारे जब अपॉक्सी या टीनेक्स या जो भी फिल करते हैं उसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं, टेपिंग का लॉस ये होता है कि जो केमिकल को एयर चाहिए होती है वो एयर उसको मिलती नहीं है, उसमें से जो केमिकल वेपराइज्ड होता है या उसको हवा लगती है उसमें से जो नमी निकलती है वो निकल नहीं पाती है टेपिंग से। तो जब एक पॉलिशर काम चालू करता है साल डेढ़ साल या जब भी आपकी स्टेज आती है 6 महीने बाद, तब वो टेपिंग हटा के जब उसकी कटिंग करता है तब ये होता है कि सारा केमिकल रबड़ बन के उसके साथ ही बाहर आ जाता है, भले ही आप टीनेक्स फिल करें या कुछ भी करें। सो जॉइंट में हमेशा जेल फिल करवाएं जितना पॉसिबल हो सके, टीनेक्स से थोड़ा सा महंगा है पर आपकी कॉस्टिंग में आ जाएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सारे जेल ही फिल करवाएं। टीनेक्स पॉलिएस्टर पेस्ट होता है, उसकी भी लाइफ है बट सर्टेन साल दो साल से ऊपर वो चल नहीं पाता है। सो आप इस दिन इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी उस पर टेपिंग ना कराएं, सूखने का टाइम दें, उसे गंदा ना करें, देन आफ्टर उस पर आप चले कोई दिक्कत नहीं है, वो रॉक स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, इन 5 चीजों का आप जरूर ध्यान रखें, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या 5 चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, दोनों में मैं कंपेरिजन पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप समझेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको पत्थर कैसे लगवाना चाहिए, क्यों लगवाना चाहिए और किस वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। बहुत लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर अभी 2 महीने पहले पत्थर लिया उसमें अभी सही क्रैक आ रहे हैं, न्यू पत्थर लिया था, तो क्रैक का न्यू और ओल्ड से कोई मतलब नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोन की प्रॉपर्टी क्या है। सो हर कैटेगरी की अपनी प्रॉपर्टी है, इटालियन की अपनी है, इंडियन मार्बल की अपनी है, ग्रेनाइट की अपनी है, सारे चाइनीज मार्बल की अपनी है, कोरियन की अपनी है, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। सारे पत्थर एक जैसे ही ट्रीट नहीं होते, टर्किश पत्थर अलग ट्रीट होता है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू सो मच।